देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सीमा। बढ़ते खास खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के दिशा निर्देश के अनुसार भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा महामानव यथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का आह्वान किया गया। उसी को जहन में रखते हुए जनपद औरैया के समाजवादी पार्टी युवा नेता अंतर्राष्ट्रीय कैंसर सर्जन विधुना विधानसभा 202 के जुझारू कर्मठ कार्य के प्रति लगनशील भावी प्रत्याशी एवं उनकी पत्नी डॉक्टर प्रियंका शाक्य ने विधुना विधानसभा के प्रत्येक गांव में जाकर अपने समर्थकों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ पैदल चलकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को पहुँचाने का कार्य आरम्भ कर दिया है। और उन्होंने कहा कि पूर्व में जो पार्टी रही उन्होंने कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को नहीं मिलने दिया और ना ही उनकी कभी एक साथ मुलाकात होने दी। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर उन्होंने विधुना विधानसभा के प्रत्येक गांव में पैदल जा जाकर डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया की विचारधारा को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर नवल किशोर शाक्या ने जनता से अपील की और उनसे कहा कि एक तरफ आप सभी पार्टियों को रख लो, दूसरी तरफ आप भारतीय संविधान को रख लो। जो पार्टी भारतीय संविधान की रक्षा करे, उसे बचाने का कार्य करे, आप उस पार्टी को वोट दें, क्योंकि जब तक इस देश में संविधान है तब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा हमेशा जीवित बनी रहेगी। उनकी पत्नी प्रियंका शाक्य और उनके समर्थकों और साथ ही डॉक्टर नवल किशोर शाक्य के द्वारा विधुना विधानसभा प्रत्येक गांव में भारतीय संविधान के निर्माता की जहाँ जहाँ प्रतिमा स्थापित है वहाँ पर माल्यार्पण एवं कैंडल प्रज्वलित कर उन्हें शत शत नमन किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि मैं विधुना विधानसभा की जनता का फ्री इलाज करूँ और अगर कोई असहाय वृद्ध व्यक्ति बीमारी के कारण अस्पताल नहीं पहुंच पाता है तो उनकी निजी एम्बुलेंस उन्हें अस्पताल पहुंचाने का कार्य करेगी। इसी के साथ न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस की स्पेशल टीम रात्रि 8 बजे जनता चौपाल से होकर लौट रही थी तो देखा कि विधुना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पुरवा जैन में डॉक्टर नवल किशोर शाक्या सपा युवा नेता और उनकी पत्नी प्रियंका शाक्य एवं उनके समर्थक डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को जन जन तक पैदल चलकर पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। नवल किशोर शाक्य ने कहा कि डॉक्टर और नेता भारत का सच्चा बेटा। इसी के साथ न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस की स्पेशल टीम ने डॉक्टर नवल किशोर अंतर्राष्ट्रीय कैंसर सर्जन से खास बातचीत की और इसी दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है तब से किसान मजदूर असहाय व्यक्ति बहुत ही परेशान है और महंगाई चरम सीमा पर है। आए दिन किसानों पत्रकारों का शोषण होता रहता है। इसी के साथ उन्होंने न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस की टीम का बहुत बहुत आभार प्रकट किया और अम्बेडकर पार्क पूर्वा जैन में संविधान निर्माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कैंडल प्रज्वलित कर उन्हें शत शत नमन किया, भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक उत्थान महासभा के संस्थापक योगेंद्र प्रताप सिंह, महासचिव शिव कुमार अरुण, एडवोकेट कोषाध्यक्ष शिव प्रताप सिंह, शरद कुमार सुनील एडवोकेट आदि पदाधिकारियों एवं सदस्यों से खास मुलाकात की और उन्होंने कहा कि आपकी मदद के लिए हम और हमारा संपूर्ण समर्थक और हमारी पार्टी हमेशा आपके साथ है। काम डॉक्टर नवल किशोर और मेरे साथ में मेरी पत्नी प्रियंका साह के हम दोनों लोग मिशन को लेकर काम कर रहे हैं। पूर्व में जो पार्टियां थीं उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राम मनोहर लोहिया जी को एक साथ एक मंच पर आने नहीं दिया। अब एक मंच पर दोनों पार्टियों के दोनों महानुभाव जो एक साथ एकत्रित हुए हैं तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे और जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में पत्रों का उस समय पत्र लिखे जाया करते थे लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की असमय मृत्यु हो जाने के कारण डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आपस में नहीं मिल पाए। लेकिन खुशी इस बात की है आज पत्रकार बंधु आप देख लीजिए उत्तर पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश में देख लीजिए अभी रामचंद्र राजभर जी जो बसपा के पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और बहुत कद्दावर मंत्री भी रहे रामचंद्र राजभर जी ने अभी समाजवादी पार्टी को जोड़ा, अभी समाजवादी पार्टी में ज्वाइन किया। आप बुंदेलखंड में चले जाओ, इधर सेंट्रल यूपी में चले जाओ, आज आदरणीय अखिलेश जी की इधर मेरठ में आपको भीड़ लाख से ज़्यादा लोग अभी कुछ दिनों पहले गाजीपुर से जब आदरणीय अखिलेश जी की लखनऊ आ रहे थे 2.5 लाख की भीड़
और वो भी रात में 2:30 बजे। उस भीड़ को देखते हुए इस देश के प्रधानमंत्री जी डर गए और उन्होंने 3 काले कानून जो लगातार 1 साल से लिए थे वो 3 काले कानून उनको वापस करने पड़े। आप न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के माध्यम से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी संघ के जो समाज है विधुना विधानसभा में उसको आपके द्वारा क्या संदेश है? मैं तो एससी एसटी ओबीसी और साथ में जनरल कास्ट को भी पूरा संदेश देना चाहता हूँ कि ये चुनाव मैं बताना चाहूँगा राष्ट्रवाद के नाम पर जो चुनाव लड़ा गया था। राष्ट्रवाद की सच्ची डेफिनेशन क्या होती है? राष्ट्रवाद की सच्ची डेफिनेशन होती है कि उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों में तरक्की का रास्ता निकले, तरक्की आए, रोजगार मिले, किसानों को उनको खुशहाली आए। ये सच्ची जो राष्ट्रवाद है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से मिला था। आज राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को ही बेचने का काम कर दिया। आपने जल भी बेच दिया, थल भी बेच दिया और आपने आसमान भी बेच दिया। आसमान के जहाज बेच दिए, थल की रेलगाड़ियां बेच दी, जल के हमारे शिप बेच दिए, तो बचा क्या? जब सभी बेच दोगे तो क्या बचेगा? एक ईस्ट इंडिया कंपनी पहले आई थी इस भारत देश में और पहले उसने अपना रोजगार पूरे भारत देश में फैलाया, फिर भारत देश को गुलाम बना के, और उस गुलाम के लिए हमारे कितने लोग शहीद हुए, ये बात आप पत्रकार बंधु आप सब जानते हैं। कल 6 दिसंबर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के परनिर्वाण दिवस पर संसद में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक बिल पेश किया गया और उस बिल का नाम था कि संविधान की प्रस्तावना बदलो, और इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना तो इन्होंने पहले ही भर दी है, पहले ही बदल दी है, और मूल प्रस्तावना में कहा गया था हम भारत के लोग, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष वर्ड था उसको इन्होंने पहले, उसका क्या स्तर है और क्या उद्देश्य है? देखिए, प्रचार और प्रसार का उद्देश्य और क्या स्तर है, स्तर इसका राष्ट्रीय स्तर है। ये उत्तर प्रदेश है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो धरती है वहाँ की जो आवाज़ जाती है वो उस देश का इतिहास लिखने का काम कर रही है। ये मिशन आज की डेट में प्रचार और प्रसार नहीं है, ये जन जन की आवाज़ है। आज जन जन में, कल ही 6 दिसंबर था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस था, ये प्रचार और प्रसार आदरणीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो क्रांति थी उसको लोगों में पहुंचाने का है। आज भारत का जो संविधान है वो खतरे में हो गया है, आज हमारी शिक्षा चौपट हो गई, किसान बेरोजगार हो गया, 2 महीने से डिमोनेटाइजेशन में बर्बाद हो गए और कोरोना में अलग हाल कर दिए। कोरोना में क्या क्या नहीं झेला हमें मालूम है कि हमारे गांव के लोग दिल्ली से पैदल चल के आए। ऑक्सीजन के सिलेंडर हम लोगों को सरकार प्रोवाइड नहीं कर पाई और हमको आत्मनिर्भर भारत करने के लिए बोल दिया गया, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। ये संदेश, और सबसे बड़ी बात, इस देश का जो संविधान है जो खतरे में है, ये संदेश मैं घर घर तक पहुंचा रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इन दोनों लोगों का एक ही विजन था और उस विजन को आज आदरणीय अखिलेश जी धरातल पर लेने का काम कर रहे हैं। तो आदरणीय अखिलेश जी का संदेश, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संदेश लोगों में लेके आया हूँ, और मैं अपने समाज के दलित पिछड़े और मजलूम समाज के लोगों को जो जोश भरने आया हूँ और उनको बताने आया हूँ कि इस बार का जो चुनाव है वो आदरणीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है, क्योंकि आदरणीय अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तभी हमारे इस भारत देश का संविधान बचेगा और तभी हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो कल जिनकी श्रद्धांजलि मनाई गई थी, सच्ची श्रद्धांजलि मनाई गई। तो यही संदेश हम विधुना के हर गांव में, हर घर में। फिलहाल के लिए इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।